सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले एक साल में जिस चीज को छुआ वो सोना हो गया। सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले एक साल में क्रिकेट जगत की सारी बुलंदियां और कामयाबी हासिल कर ली। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 का वो बेताज बादशाह बन गया। दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज उसके सामने गेंदबाजी करने से डरने लगा था, लेकिन जब बात आती है वनडे क्रिकेट की तो सूर्या की ये चमक कुछ हल्की पड़ती नजर आती है। वाइड बॉल क्रिकेट के इस लंबे प्रारूप में सूर्या कुछ फंसते और कुछ अटकते नजर आते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद सूर्य कुमार यादव के आंकड़े इस कहानी को बयां कर रहे हैं। जी हाँ, स्काई ने वनडे क्रिकेट में अब तक 20 मैच खेले हैं और 28.86 की औसत से उन्होंने मात्र 433 रन बनाए हैं। और अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो जिस सूर्या का स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में कभी 150 से नीचे नहीं आता है, वनडे क्रिकेट में ये मात्र 102.85 का ही रह जाता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जब बात वनडे क्रिकेट की आती है तो सूर्या का ताबड़तोड़ अंदाज उनका साथ नहीं दे रहा है और वो आक्रामक और डिफेंसिव क्रिकेट के बीच में कंफ्यूज होते दिख रहे हैं। वनडे क्रिकेट में परफॉर्म ना कर पाने के दबाव स्काई के चेहरे पर साफ दिखता है, क्योंकि मैदान पर हमेशा मुस्कुराने वाले सूर्या की मुस्कान आजकल चेहरे से गायब है। वनडे क्रिकेट में बढ़िया तरीके से प्रदर्शन ना कर पाने का असर अब सूर्य कुमार यादव की T20 फॉर्म पर भी दिखने लगा है। और जो सूर्या शानदार तरीके से रन बनाते हुए लक्ष्य का पीछा करते थे, अब उनको इसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज में देखने को मिला है, जहां रांची में तो लक्ष्य का पीछा करते हुए स्काई ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 47 रन की पारी तो जरूर खेली, लेकिन वो टीम को जीत के पार नहीं ले जा सके। तो दूसरी ओर लखनऊ में उन्होंने भारत को जीत की रेखा तो पार करवा दी, लेकिन अगर बात करें सूर्या के प्रदर्शन की तो उसमें भी काफी गिरावट देखी गई। स्काई ने 31 गेंदों में 83.87 के स्ट्राइक रेट से 26 रन बनाए और मुश्किलों से भारत को आखिरी ओवर में जीत दिलाई। आइए देखते हैं खुद सूर्या इस बारे में क्या कहते हैं। No, actually at that time you know what the situation was and we've been batting together for a very long time now. We had some good partnerships as well in the past, and at that time it was very important for both of us to have a good communication, have a nice atmosphere over there, as we knew that it was a little tense situation in that last over, and we were just trying to have a laugh back each other, telling each other whoever gets an opportunity, let's try and finish the game. चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि जैसे सूर्य कुमार यादव खुद कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं है और कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ उनकी अच्छी जोड़ी बन रही है और भारत के लिए वो लगातार मैच बेहद ही आराम से खत्म कर रहे हैं। सूर्या को अपना अगला मैच बेहद ही खास मैदान पर खेलने हैं। खास किस लिए ये भी सूर्या खुद बता रहे हैं, आइए देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आया तो मैंने अपने मैनेजर सर को भी बोला कि आ गए जहाँ पर शुरुआत हुई थी, अच्छा लग रहा है। तो वो स्टेप्स भी मैंने आराम से लिए नीचे नीचे आने के टाइम, और मैं सोच रहा था कि 2020-21 के टाइम में कैसा आया था यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, मेमोरीज है वहाँ की, बट इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ, फ्रंट ऑफ फुल क्राउड, ब्यूटीफुल स्टेडियम, आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए, मौका भी है और दस्तूर भी है और सूर्या का पसंदीदा मैदान भी है, तो देर किस बात की है। सूर्या की जो चमक कुछ हल्की पड़ती नजर आ रही है वो एक बार फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोशन हो, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी स्काई पर ही है।